लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए जवाब के मुताबिक नोटबंदी के बावजूद 2016 से अब तक पकड़ा गया काला धन साल 2012 से 2014 के बीच पकड़ा गया काला धन से काफी कम है। देखिए ये रिपोर्ट। नोटबंदी के मूल लक्ष्यों में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य देश में काला धन खत्म करना था। 15.44 लाख करोड़ रुपए के विमुद्रीकरण के कुछ ही समय बाद कुल 15.28 लाख करोड़ रुपए वापस आ गए, यानी केवल 16,000 करोड़ रुपए वापस नहीं आए। अगर कुल काले धन की संभावना भी देखें तो ये ज्यादा से ज्यादा 16,000 करोड़ रुपए ही हो सकती है। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2018 के सितंबर तक 8,856 करोड़ रुपए काले धन के रूप में जमा किए गए और कई जगह तो इसे नोटबंदी की सफलता भी बताई गई है। पर पुराने आंकड़े देखें तो वित्त वर्ष 2014 से लेकर अभी तक जितना काले धन का पता लगाया गया है उससे कहीं ज्यादा साल 2012 से 2014 के बीच हुआ। इस दौरान 1,32,194 करोड़ रुपए काला धन के रूप में जमा किया गया। यह आंकड़े सरकार द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में दिए गए जवाबों में शामिल है। ये रकम 9,957 सर्वे और 991 खोजों से जमा की गई। हालांकि 2014 के बाद कुल सर्वे की संख्या बढ़ी पर पकड़ा जाने वाला काला धन 2012 से लेकर 2014 के मुकाबले कम रहा। काला धन को पकड़ना और टैक्स की चोरी को रोकना सरकार के मूल कार्य क्षेत्रों में से एक है और इसके लिए कोई बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं होती है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।